नमस्कार सभी को। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात करते हैं हम आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर, चंद पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी कि जिसमें है मैंने हर ख्वाब बुना, जिससे जुड़ी है मेरी हर एक आशा, जिसने दिलाई है मुझे पहचान, वो है मेरी हिंदी भाषा। जी हाँ, सभी जो कहेंगे हिंदी भाषी के लिए एक ये गर्व का दिन है कि आज के दिन जो हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आज ही का दिन क्यों चुना गया? हालांकि 1918 में ही गांधी जी ने हिंदी को एक जनवादी भाषा के रूप में चुना था, जनमानस की भाषा के रूप में चुना था, और इसे 1949 में राजभाषा का दर्जा दिया गया। चुना तो गया था राष्ट्रभाषा के लिए, किंतु जो कहेंगे अंग्रेजी का प्रभाव या बहुत सारे अहिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उनके आधार पर हम इसे राजभाषा का दर्जा मिला, जो कि अनुच्छेद 343 के अनुसार आप सभी इससे परिचित हैं कि संविधान में इसे दर्जा मिला। लेकिन हिंदी जो है वो क्योंकि खुली बाहों वाली भाषा है, हिंदी जो है वो प्रत्येक जो भी अच्छी चीज़ों को जैसे हम जल्द से जल्द अपने में समाहित कर लेना चाहते हैं या ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही हिंदी ने भी बहुत सारे शब्दों को अपने में अपना लिया है। इसी कारण इसमें तत्सम शब्द भी हैं, तद्भव शब्द भी हैं, देशज भी हैं और विदेशी शब्द भी हैं। इसी तरह से हिंदी का विकास जो है वो उत्तरोत्तर तकनीकी क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सभी जो कहेंगे हिंदी के विकास के ही जो पहलू हमें नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि भाई हिंदी जो है वो गली मोहल्ले से लेकर के विचार विमर्श विवादों तक की भाषा जो है वो हिंदी है। तो यह एक हिंदी का विकास ही है, क्योंकि हिंदी जो है जब स्वाधीनता संग्राम की भाषा बनी थी उसके बाद से लेकर के उत्तरोत्तर हिंदी का विकास जो है हमें देखने को मिलता है। हम यहां पर ये बिल्कुल कहते हैं कि भाई हिंदी जो है वो एक उच्चारण के रूप में भी बहुत ही सरल और स्वरूप की भाषा है, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, कोई भी साइलेंट वर्ड्स इसमें नहीं होते हैं, इसलिए जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। तो हिंदी अपने आप में एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा के रूप में, वैज्ञानिक लिपि में लिखी जाती है। तो हम उत्तरोत्तर जो कहेंगे हिंदी के विकास और हिंदी के विचार विमर्श से सदैव जुड़े रहेंगे, सदैव बने रहेंगे। आज के इस दिन पर हम सभी जो हिंदी भाषी हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी के विकास के लिए उत्तरोत्तर कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ, और एक बार आप सभी को फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।